नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गुप्त ज्ञान, गुप्त धन की बात नहीं है, गुप्त ज्ञान की बात है। और वो गुप्त ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको आप देखे होंगे ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, कीरो में महारत हासिल करते हैं। ये गुप्त विद्या है। अगर आपके हाथ में ऐसी साइन है तो आप इन विषयों को सीखकर एक बहुत अच्छे लेवल के मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ की तीन प्राइमरी लाइनें देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा क्या बताती है? हमारे जीवन के बारे में, हमारे करियर के बारे में, हमारे प्रोग्रेस के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में। ये जीवन रेखा का आकलन होता है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे गहरे विचारों के बारे में बताती है, हमारे सपने क्या है उसके बारे में बताती है, हमारा धर्म क्या है उसके बारे में बताती है। और इसी के साथ हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा सिर्फ हमारे व्यवहार के बारे में बताते हैं, हम किस तरह का हमारा नेचर है, हम किस तरह का बर्ताव किसके साथ करेंगे उसके बारे में बताती है। तो आज ये मेरा सब्जेक्ट है गूढ़ विद्याओं के बारे में, ज्योतिष सीखने वाले प्रेमियों के लिए बहुत रोचक के विषय और फायदेमंद विषय होगा। और ये गूढ़ विद्या उसको कहते हैं जो कि हम किसी गुप्त ज्ञान को प्राप्त करें, और वो देता है सिर्फ हमें केतु का पर्वत। और केतु के पर्वत पे अगर ये शुभ चिन्ह बनते हैं तो आप जीवन में इन विद्याओं से काफी कुछ नेम फेम भी मिलेगा, और इन विद्याओं से आप फेमस भी होंगे, आप मास्टरी भी करेंगे, और इसका जीवन में काफी उद्देश्य भी पूरा करेंगे। सबसे पहले ये जो केतु का पर्वत मैं आपको बता दें, ये वाला क्षेत्र जो होता है ये केतु का पर्वत होता है। ये बीच का जो पर्वत है इसको हम केतु का पर्वत बोलते हैं। ये केतु का पर्वत है, केतु का पर्वत, केतु के पर्वत मोक्ष के बारे में ही भी बताता है। और यहां पर आपने देखा होगा कि अगर केतु के पर्वत के ऊपर एक शुक्र पर्वत से एक रेखा आड़ी काटती हो, हम थोड़ा और विषय की जानकारी दे देते आपको। ऐसे लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है, जितनी मोटी और जितनी लंबी रेखा होगी वो डाइजेशन सिस्टम को कमजोर करती है। और इसी के ऊपर जो दूसरी साइन बनती है, वो जो दूसरी साइन बनती है वो ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अगर ये किसी भी स्त्री के हाथ में है सहाय, तो आप देखें प्रस्तुति के समय जच्चा और बच्चा दोनों, जच्चे और बच्चे को तकलीफें आती हैं। ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि अच्छे हॉस्पिटल में आप अपने जच्चे बच्चे को अवश्य दिखाएं, क्योंकि ये संकेत जो होता है ना कष्ट का समय होता है प्रसूति के समय। और इसी के ऊपर जो गुप्त ज्ञान की बात होती है वो साइन है, यहां पर त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये स्त्री के हाथ की नहीं बात मैं कर रहा हूं, ये पुरुष की बात कर रहा हूं। अगर यहां पर त्रिकोण बनता तो ऐसे जो गुप्त ज्ञान में नॉलेज रहते हैं वो प्राइमरी लेवल के होते हैं, प्राइमरी लेवल के। अगर इसी केतु के माउंट पे अगर यहां पर एक स्टार बन जाए, स्टार बन जाए,
ये स्टार बन गया। अगर यहां पर स्टार बन जाता है तो ये आपको जैसे ये प्राइमरी था तो ये हाई स्कूल की लेवल की उनको नॉलेज देगा गुप्त विद्या में। और यहां पर अगर ये दोनों ही एक साथ आ जाए, एक साथ दोनों ही ये चिन्ह आ जाए आपके हाथ में, ये त्रिकोण भी आ जाए और इसके ऊपर एक स्टार भी आ जाए तो ये हायर सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो स्टार है अगर आपका इस त्रिकोण के बीच में बन जाए, ये त्रिकोण के बीच में बन जाए, त्रिकोण के बीच में बन जाए, ऐसे लोग कॉलेज लेवल की पामिस्ट्री करेंगे, एस्ट्रोलॉजी करेंगे, कीरो करेंगे, मतलब गुप्त विद्याओं में इतना बड़ा ज्ञान रखने वाले होते हैं। और जो कि सबसे बड़ी पीएचडी कराती है, मास्टरी जिसको कहते हैं हम गुप्त विद्या में, अगर उनके हाथ में यहां पर एक फिश साइन बन जाए, फिश साइन बन जाए, ऐसे लोग पामिस्ट्री से जुड़े हुए, टैरो से, कीरो से, ज्योतिष से, उसमें पीएचडी लेवल के ऐसे होते हैं कि जो उनको उस स्तर तक लेके जाती है। अब कई बार आपने देखा होगा कि इस स्तर तक जाते हैं और बहुत अच्छा नेम फेम कमाते हैं और पैसा भी कमाते हैं। अगर आपके यही एक साइन बुध के पर्वत के ऊपर ये खड़ी लाइनें हैं, ये खड़ी लाइनें हैं, ये खड़ी लाइनें हैं और इसके एक लाइन ऐसी काट दे, ऐसी काट दे, ऐसे लोगों को इस साइंस से जुड़े हुए अकल्ट साइंस जिसको हम बोलते हैं उससे जुड़े हुए धन की बात होती है। ऐसे लोग गुप्त विद्याओं से भी धन कमाते हैं। और ये गुरु का पर्वत मजबूत हो, इसके ऊपर दो तीन लाइनें ऐसी हो, ऐसे लोगों को पामिस्ट्री ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।